रिलैक्स नाउ, अब से हम काम पर फोकस करेंगे हुँ? और तुम साथ हो तो कोई टेंशन नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि पिछले कुछ दिनों से हम बेकार की बातों में उलझे हुए थे, और वो कर करियर टुक अ बैक सीट, बट अब नहीं। चलिए दीदी, अरे दीदी, आपका टिफिन। ठीक, मेरा एक इशारा ही काफी है, चट्टा मेरी उंगली के इशारे पर है। पापा, आप लेट्स गो। पापा, रोली रोली पुत्र रुक जा। कोई नहीं बेटा, बच्ची है, तू जा पुत्र, मैं संभाल लेनी है, कोई बात नहीं, तो फिक्र ना कर। बात क्या है, मैं समझा नहीं। पापा, रोली बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं पापा से? मम्मा चली गई, आप भी चले जाओगे, सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे, फिर तो मुझे अकेले डर लगेगा ना। अपनी माँ जैसी ही ड्रामेबाज है बेटी भी। बेटा, आपसे किसने कहा कि पापा आपको छोड़ देंगे? चलो, पापा ने डिसाइड कर लिया है कि पापा कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहेंगे। ओके, लो, मेरा ऑफिस जाना भी कैंसिल, अब हम तीनों साथ रहेंगे। परफेक्ट। सो प्रिंसेस, बताओ आप शॉपिंग शॉपिंग क्या बात है, ले जाओ बेटा इसको, ले जाओ। तू तो है ना मेरे नाल, तू तो कहीं नहीं जा रही। हाय, मुझे भी कंपनी हो जाएगी, वो जब से शुभ्रा गई है ना, घर खाली खाली हो गया है, तो बस तू साथ रहेगी, मन लगा रहेगा। आई नहीं ओए। मैं क्या सोच रही थी बीजी है? कि आप भी चलिए ना हमारे साथ। ओ ना पुत, एना वड्डा मॉल, ओ चिक 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 आवाज आनी है, पता नहीं केड़ी स्मेल आंदी है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता पुत। और ऊपर से जब से वो शुभ्रा गई है, ये गोद से उतरी नहीं है, मेरी कमर में वैसे दर्द हो गया है, मैं थे ठीक है बस। चली जा अम्मा, मेरा सर काय खाएगी। मैं कहनी है, मैं वो फिरकी से मालिश करवा लूंगी, तू पैर दबा दियो। मैं थे रहना पुते हैं, है सैम मेरे नाल। तुम जाओ। ठीक है, बाय दादी। बाय बच्चा, जाओ, शाबाश। डाल डाल में पात पात मचा दिया उत्पात। दीदी, आपकी उंगली का इशारा तो काम नहीं आया, डोली फुर से ले उड़ी। किचन में काम है। पहली बार किराए के घर में नहीं, अपने घर में जा रहे हैं हम। अपने घर का दरवाजा तू खुद खोल। ना यही, हम दोनों साथ में खोलेंगे।
ऋषि अमोल प्राप्ति सुंजना आंटी। रुको रुको बीजी, वेरी फना बीजी, रोली कहाँ है? ओ, उसकी क्लास शुरू हो गई है, मैं तुम्हारी बाद में बात करवा देती हूँ। बेटा तू पहले गृह प्रवेश कर ले। अच्छा एक मिनट। हाँ संजना को बुलाना। संजना बच्चे जाकर जल्दी से कलश ले। हाँ बीजी। मथुरा बच्चे एक बार मेरी शुभ्रा से बात करवा दो। जी जी बीजी। शुभ्रा पुत्र, जो गलती सालों पहले मुझसे हुई थी अब फिर से नहीं दोहराऊंगी। मुझे पता चल गया है, जिस घर में लक्ष्मी का मान नहीं किया जाता है उस घर का मान मिट्टी में मिल जाता है। मैंने तेरी इज्जत नहीं की। मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चल पड़ा। I'm sorry. अब आगे कोई गलती नहीं होगी क्योंकि अब यह गलती सुधारने का वक्त है। तो अब रब दा ना ले और अपना दाहिना पैर आगे कर, आगे बढ़ा। ठीक है इस बार बेटे से इज्जत दिलवानी है, इसलिए खुद भी पूरी इज्जत दूंगी, पूरा मान दूंगी अपनी गृह लक्ष्मी को। सदा सुखी रहना। Welcome back. आराम से। अमोल ये लो। अरे ये लो। मधुरा बहन जी उन्हें एक और काम, मैं वहां नहीं हूं, मेरी बहू को मेरी तरफ से शगुन दे दो। जी रामायण।
अकेले रामायण। अपना वनवास पूरा करके अपने घर लौटी है ना। थैंक यू बीजी। बाय दादी। जल्दी ही ये वनवास पूरा होगा पुत्र जी, और राम जी अपनी सीता के पास लौटेंगे। अपना भरा पूरा परिवार वेख के गंगा नहा लेगी ये कौशल्या। पापा, मैं अभी ऋषि को कॉल करके बताती हूँ कि पापा ने हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लिए। बेटा, लेकिन ऋषि तो पापा से बहुत गुस्सा है। पापा, जब ऋषि और मैं झगड़ा करते हैं तो पापा मामा भी तो गुस्सा करते हैं, फिर थोड़ी देर में उनका गुस्सा चुम अंतर हो जाता है। लेकिन ऋषि का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ। पापा का इतना सारा प्यार देख के ऋषि का गुस्सा एक मिनट में खत्म हो जाएगा। दीदी, हम कर देते। क्या बात है भाई, पूरी दुकान खरीद ली तुमने तो। हैं दादी, अगर मैं पापा को बोलती ना तो पूरी पूरी मार्केट खरीद देते। अपनी रोली प्रिंसेस के लिए पापा कुछ भी करेंगे। पता है दादी, पापा ने ना सारी चीजें टू टू खरीदी हैं। अच्छा, एक मेरे लिए और एक ऋषि भैया के लिए। आप दोनों ना ऋषि गिफ्ट्स पैक करने में मेरी हेल्प करो ना। श्योर। फिर की? हाँ जी। रैपिंग पेपर लेकर आ। और क्या क्या हलाया तुमने? चड्ढा इज वेरी फॉन्ड ऑफ रोली। उसे इंप्रेस करने के लिए इस रोली के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा। टीचर ने सबको मुर्गा बना दिया ऐसे। आओ बच्चों, ऋषि, सलोनी, अमोल। रोली को मिस कर रहा है। मैं भी, पर ऐसे परेशान होने से काम तो नहीं चलेगा ना। इसका कोई तो सलूशन निकालना ही होगा। आपके पास है इसका सलूशन? एक मिनट। ये ले। अब जब भी तुझे रोली की याद आए तब इसे हक कर लेना, इसी से झगड़ा भी कर लेना, और फिर इससे रूठ जाना, और फिर इसको मना भी लेना।
अभी के लिए कैसा लगा सॉल्यूशन? ये ले तेरी ट्रोली। अमोल, सलोनी, आना बेटा, तुम लोग सब बैठ कर खेलो, मैं जल्दी से कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के लाती हूँ। चल आज रोली की कपड़े तुमने डॉल को क्यों पहना दिए ऋषि? वो रोली अभी यहाँ पर नहीं है ना, तो मुझे उसकी याद आएगी तो मैं इससे बात कर लूंगा। सही है ऋषि, रोली नहीं है तो तूने नकली बहन बना ली। ओए रोली कैसी है, चकली खाई? ले खा, खा ना, ले खा, अरे खा, खा ना, क्या हुआ, खा खा। ओए रोली, आज तुम लोग के साथ झगड़ा भी नहीं कर रही, डर गई क्या? और दादागिरी भी नहीं दिखा रही है। ओए बोल बोल। ओए ऋषि, इसकी तो बोलते ही बंद हो गई। ए बोल ना कुछ तो, बोल 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 ना रोली, अरे बोल ना, अरे बोल। ऋषि, 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 बेटा तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ। आई बेटा, रोली पक्का आएगी, क्यों नहीं आएगी? इसमें कौन सी बात हो गई ऋषि? सॉरी गाइस, मैंने डॉल फाड़ दी। कोई बात नहीं, ये मेरा है और ये ऋषि भैया का। वाह जी वाह, और ये एक ही है। पापा पेन और पेपर दो ना। क्यों? ये रैकेट हम दोनों का है ना, एक रैकेट मेरा और एक रैकेट ऋषि भैया का। अगर मैं इस पे लिख दूंगी तो ऋषि भैया समझ जाएंगे। रिकी जी, जाओ अंदर से पेन और पेपर लेकर आ जाओ। जी भैया जी। हाँ। वो कलम नहीं मिला, ये रंग ले आए। रख दो यहाँ पे। जी क्या लिखना है तुम्हें? कम ऑन। डियर ऋषि भैया, ये रैकेट संभाल के रखना, मैं जल्दी वापस घर आ जाऊंगी, फिर हम दोनों ये रैकेट खेलेंगे।
तक आप किसी और फ्रेंड के साथ मत खेलना। ये सिर्फ हम दोनों का, प्रॉमिस करो। रब दे मर्जी रब जाने, पर मैं इस बच्ची का दुख नहीं देख सकती। मैंने जल्द से जल्द इस परिवार को एक दूसरे से मिलाना है, और सबसे बड़ी बात अपने पुत्र को उसकी गलती का एहसास दिलाना है। दादी अच्छा है ना?